सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए दोस्तों को। Hey guys, I'm Aru. So welcome back to our channel. Sivar now. So guys, जैसे कि आपको सभी को पता है कि अभी हम कोलकाता आए हैं. Yes guys. तो कोलकाता किसके घर आए हैं, क्यों आए हैं, किस रिगार्डिंग आए हैं, वो सारी चीज़ें आपको आने वाले नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा. बट अभी फिलहाल सोचा कि वैसे भी मंडे है, तो मंडे के हर एक ब्लॉग में शूट कर देता हूँ. तो इस वजह से सोचा कि चलो अभी ये ब्लॉग भी क्यों स्किप करूँ, क्योंकि अभी फोर्थ मंडे स्टार्ट है. तो फोर्थ मंडे रिलेटेड अभी हम ये ब्लॉग शूट कर रहे हैं. तो आज का जो ब्लॉग है वो वाकई कुछ स्पेशल है, क्योंकि आज हम कोलकाता के शिव मंदिर में जाने वाले हैं, जो कि यहाँ पर मुझे नहीं पता कहाँ पर है. बट मतलब यहाँ पर आए हैं हम, उनके घर वाले में से एक हमें वहाँ पर लेके जाएगा, आरू को और मुझे. तो आप वीडियो ज़रूर कंटिन्यूसली वॉच कीजिए, और साथ ही साथ अगर आज का ये वीडियो ब्लॉग पसंद आएगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और कमेंट तो जरूर कीजिए. यस, कैसा लगा आपको ब्लॉग इस रिगार्डिंग. सो अभी हम ज़्यादा तो बात नहीं करेंगे, आपको सीधा हम टेंपल लेके जाएंगे और वहाँ का सारा कुछ शूट दिखाएंगे. सो चलिए टेंपल हमारे साथ. तो अभी ना हम तो जाने वाले हैं, बट आरू को कुछ काम सौंपा है, तो इस वजह से अभी आरू आया है टेरेस पे. कपड़े नहीं है? कपड़े नहीं, कपड़े नहीं है. ओके है कुछ का, तू चला गई पहले. सो अभी हम जा रहे हैं आरू से. हाय आराम से आ जाना गाइस, यहाँ से तो कोई नीचे गिर गया ना तो सीधा शायद जा नहीं जाएगी उसका, और इसका भी काम पेंडिंग है. कोई नहीं, हम निकल रहे हैं. सो चलिए तो गाइस फाइनली हम इस मंदिर पहुंच गए, और आप देख सकते हो इस मंदिर के मतलब सामने हनुमान जी है. और जब हम इस मंदिर में आए गाइस, सच्ची में हम बहुत शॉक हो गए थे, बिकॉज हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमें इस मंदिर में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा. तो आप अभी देखोगे कि इस मंदिर में क्या अनोखा था. तो ये देखिए गाइस, ये है काली मूर्ति, मतलब काली माता का मंदिर है ये. एक्चुअली जब हम घर से निकले थे तब हमें ऐसा बोला था कि ये एक शिव मंदिर है, और मुझे भी लगा कि चलो शिव मंदिर है तो अच्छा है ऐसा वैसा. पर जब मैं इस मंदिर में आया तब मैं खुद देख के बहुत शौक हो गया, बिकॉज ऐसा मंदिर मैंने कभी नहीं देखा. इवन ज़्यादातर महाराष्ट्र में भी काली माता का मंदिर नहीं होता है, बट यहाँ पर ये मंदिर देख के मैं सच में मतलब मुझे बहुत अंदर से एक खुशी महसूस हो रही थी. बिकॉज मैंने मतलब मुझे ऐसे मंदिर में जाना ज़्यादातर पसंद है जहाँ पर काली माता की ऐसी मूर्ति हो. और जब मैं यहाँ पर गया था तो यकीन मानिए गाइस, मैं इस मूर्ति को एक निगाह से देख ही रहा था. ये मंदिर वाकई बहुत मतलब बहुत अच्छा था. इस मंदिर को सच में देख के मन प्रसन्न हो गया था मेरा. तो गाइस फाइनली हमारा दर्शन वगैरह तो हो गया है. तो ऐसे आपको अपकमिंग आने वाली वीडियो में ऐसे बहुत सारे ऐसे काली माता के मंदिर मिलने वाले, क्योंकि स्पेशली हम इसीलिए कोलकाता है बिकॉज यहाँ पर हमें काली माता के मंदिर के दर्शन हो जाए. सो अभी चलिए घर चलते हैं अभी. सो गाइस इस तरीके से हमारा आज का ये शूट ख़त्म हुआ. एक्चुअली देखने गए थे हम शिव मंदिर, बट क्या दिखा हमें आरू, हमने शिव मंदिर देखा, काली मंदिर देखा, हनुमान का भी मंदिर देखा, बहुत सारे देवी देवता थे. सो आपको वीडियो में अच्छे से पता चल गया होगा गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा. और गाइस सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मतलब मैंने नहीं सोचा था कि मतलब काली मंदिर इतना नज़दीक होगा, क्योंकि कोलकाता आने का ये भी एक रीज़न कि हमें यहाँ के कुछ काली मंदिर देखने हैं, बिकॉज बहुत सुना है इनके बारे में, तो इस वजह से हम आए थे. पर फिर भी
आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए दोस्तों को। बाय। नो सो आप हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। सो बी हैप्पी एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय बाय। सो गाइस, इसने साइड में अलग से खाना निकाला है थोड़ा सा, और देखो ऐसे खाना मिला है इसको खाने के लिए। एक सब्जी, दाल, चावल, रोटी, मिठाई, वड़ा, चोखा। हल्का वीडियो में चलाया उसमें क्या है ना, और नहीं तो वॉइस कट कर देंगे और क्या होगा।